हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो काफ़ी पतले हैं, जो काफ़ी टाइम से अपना वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो हेल्दी या मोटा होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे। तो इसका एक मेन रीज़न है कि जो आप कैलरीज खा रहे हो ना वो सरप्लस में नहीं खा रहे हो, मतलब कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलरीज से ज़्यादा नहीं खा पा रहे या आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तभी आपका वेट बढ़ नहीं रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं बहुत खाना खाता हूँ, मैं अपनी हर मील में बहुत खाना कंज्यूम करता हूँ पर फिर वेट नहीं बढ़ रहा है। इसका एक और रीज़न है कि जो आप अपनी कैलरीज कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप काउंट नहीं कर रहे, आपको एक पूरा एक काउंट रखना पड़ेगा कैलरीज का कि आप कितना खाते हो तो आपका वेट कितना है और आपको कितना और खाना पड़ेगा अगर आपको अपने गोल पे पहुंचना, जो आपका गोल है कि आप अगर आपको गोल है 4 से 5 किलो बढ़ाना, 10 किलो बढ़ाना, तो आपको उस हिसाब से कैलरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो आज मैं अपने लेके आया हूँ मास गेनर शेक, या आपको वेट गेनर शेक भी कह सकते हैं। तो ये शेक है, ये डेफिनेटली आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। और इस शेक में हमने सारी चीज़ें नेचुरल यूज़ करी हुई, कोई सप्लीमेंट का इसमें ऐड नहीं किया हुआ हमने। सारी चीज़ें जो आपको घर में इजीली मिल जाएगी, जो डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ का मैंने यूज़ किया हुआ है। तो चलिए शुरू करें। तो आज का शेक बनाने के लिए आपको चाहिए 70 to 80 ग्राम ओट्स, थोड़े से नट्स, आप देख सकते हैं मैंने आलमंड्स और वॉलनट लिए हुए हैं, 2 बनाना, आप एक बड़ा बनाना भी ले सकते हैं, और पीनट बटर। मैंने तो पिंटोला पीनट बटर लिया है पर आप सन फूड या डॉक्टर ओटकेयर का भी बटर ले सकते हैं। और साथ में आपको चाहिए 400 से 500 ml मिल्क। तो शेक बनाने के लिए हम पहले जो हमारे ओट्स हैं उनको ग्राइंड कर देंगे ताकि वो हमारे जो शेक है उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हमें पीने में कोई दिक्कत ना हो। इनको आपने करना है 5 से 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए, आप उनको ग्राइंड कर सकते हैं। जो हमने हमारे ओट्स थे वो अच्छी तरह क्रश हो चुके हैं, अब हम इनको वापस बाउल में डाल देते हैं अपने। अब इसी तरह हम जो हमारे नट्स हैं उनको भी क्रश कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह शेक में मिक्स हो जाए। हमारे नट्स भी अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब बारी है मिक्स करने की सब चीजों को एक साथ। तो आप जार ले लीजिए, उसमें आपको 400 ml मिल्क ऐड करना है जो हमने लिया हुआ है। जो आपने ओट्स ग्राइंड किए थे वो आप डाल दीजिए इसमें, और नट्स और जो आपके बनाना है वो आप डाल सकते हैं, आप छोटे पीसेस करें बड़े पीसेस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बनाना तो आगे जाके ग्राइंड हो जाएगा। दूसरा भी डाल सकते हैं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है जिससे हमें काफ प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिलेंगे वो है पीनट बटर, इसके आपको 2 टेबलस्पून डालने हैं। और
कर दीजिए। क्योंकि हमने ओट्स और नट्स पहले ग्राइंड कर लिए थे, जिससे कि अब उनको मिक्स होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आप देख सकते हैं शेक बिल्कुल तैयार है। सुबह मैं डाल देता हूँ अपनी बॉटल में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूदी टाइप बन गया हुआ है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए और ये एक मेरे को लगता है हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और इससे आप डेफिनेटली जो आपका गोल है वेट बढ़ाने का या जो आपने मास गेन करना है, साइज बल्किंग करनी है, डेफिनेटली आपको उसमें हेल्प करेगा। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और घर में बनाई हुई चीज़ हमेशा अच्छी होती है। तो चलिए थैंक यू। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।